सवाल ये कि हाल ही में 2029 को जो जंतर मंतर आंदोलन में जो दिल्ली में हुआ है, वो भी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा है कि 29 जुलाई को पिछले महीने क्या हुआ था जंतर मंतर न्यू दिल्ली पर, तो जितने भी यहाँ मेरी बहनें हैं अरुणाचल में, उन सबको बता दूं कि पूरे भारत वर्ष में 70 करोड़ की जो महिलाएं आधी आबादी है वो अपना हक मांगने जंतर मंतर पहुंची थी। वहाँ ये था कि जो वुमन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी जो पास हो चुकी है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, उसी की डिमांड पर हमारे जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं आलका लांबा जी, उसके आह्वान में जितने भी बहनें हैं भारतवर्ष में वो वहाँ जंतर मंतर पहुँचे थे नारी न्याय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने। नारी न्याय आंदोलन का जो बेसिक डिमांड है, जैसे मैंने कहा कि वुमन रिजर्वेशन जो एक्ट है उसे तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, दूसरा जो है कि औरतों का, महिलाओं का सामाजिक और जो आर्थिक जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जाए, निश्चित किया जाए। क्योंकि अभी आप देखिए ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक एट द सेम टाइम पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैसे करके निश्चित होगा जब वुमन रिजर्वेशन बिल जो एक्ट है अभी वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तुरंत इसी वक्त होता है, तो देन इट्स 100% कि हमारा जो है वुमन राइट्स भी इंश्योर हो जाता है उसी हिसाब से। तो 29 को यही हमारा डिमांड था, उस डिमांड में वो डिमांड जो हमने नारी न्याय आंदोलन के तहत रखा था, जो AIMC ने ऑर्गेनाइज किया था, तमाम जितने भी जो राज्य हैं वहाँ से सारी महिलाएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहे या कम्युनिटी बैकग्राउंड कहे, वहाँ से पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन हमारे जो भारत सरकार है, जिसको कहते हैं कि जो NDA चला रही है, उनको कतई मंजूर नहीं था कि नारियाँ जो मेरी बहनें हैं वो अपना हक मांग के रोड पे उतरे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जो प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी, उसको भी डिटेन होना पड़ा उस आंदोलन के चलते। बहुत धक्कम दुखा हुआ, खींचातानी हुआ, औरतों के जो है कहते हैं ना वेरी इनडिसेंट वे में उनको डिटेन किया गया। जैसे हमारी महिला अध्यक्ष है ऑल इंडिया की, उनको उनके साथ इतना धक्कम दुखा हुआ, उनके कपड़े भी फटे, ऐसी गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्मी थी, उस पे वो बेहोश हो गई, उनको कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं दिया गया, कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं दिया गया, उनको खींचते हुए बस में उसको रखा पुलिस वालों ने, कम से कम 3-4 घंटे तक घुमाया, घुमा के विदाउट मेडिकल असिस्टेंट घुमा के वहाँ छोड़ दिया। और बहुत सारी बहनें तो बॉर्डर पे उनको घुमाकर, बसों में घुमाकर वहाँ बॉर्डर एरिया पे, दिल्ली बॉर्डर एरिया पे छोड़ दिया, और वो किसी तरह वापस आए, अपना आंदोलन जारी किया, इंडिया गेट में रघुपति राघव राजा राम गीत गाते हुए वो अपना एक विक्ट्री सिंबलाइज करते हुए अगर मोमबत्ती जलाया कि, और ये मोमबत्ती जलाया, जलाने का ये जो है ये प्रतीक है कि हमारा जो नारी न्याय आंदोलन वो चलता रहेगा जब तक ये वुमन रिजर्वेशन जो एक्ट है वो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक। और आगे ये देखिए कि मैं बता दूं, आप पूछने से पहले ये बता दूं कि नारियों को, हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको वुमन रिजर्वेशन जो बिल है उनका पास कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना क्यों जरूरी है? देखिए अभी इस साल क्या हुआ, बजट में जो बजट प्रेजेंटेशन हुआ पार्लियामेंट में, उसमें देखिए कि हमारे जो महिलाएं हैं उनके रोजगार पे कोई चर्चा नहीं हुआ, उनके लिए कोई फंड एलोकेट नहीं हुआ। जब आपको पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे जो आधे से ज़्यादा महिलाएं एंगेज हैं, फिर आप ये देखिए कि इस हमारे देश में महिलाएं हर रोज़ अपने रोज़गार, अपनी लाइवलीहुड से जूझते हुए
कई प्रकार के सेटिंग्स में काम करते हैं, उनके लिए, उनके जो फूड सिक्योरिटी के लिए, उनके इंक्रीमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है शरीर में, जो काम, जो आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसके रिलेटेड जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है उन पे कोई बजट में उसकी कोई पेशगी नहीं हुई। आप ये देखिए कि उस पे रादर कटौती हुई, जो आंगनवाड़ी में काम करती है, आशा वर्कर है, जो स्लम्स एरियाओं में, बस्तियों में, जो गरीब रेखा से नीचे हैं, उन महिलाओं के लिए, उनके पोषण तत्व पे काम करते हैं, उन पे, उन सारे चीज़ों पे कोई बजट एलोकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर देन आप ये देखिए कि बहुत ही गर्व से इस एनडीए गवर्नमेंट ने कहा देयर इज ए टैक्स स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब ये देखिए कि ये हमारे जितने भी, मैंने कहा है, औरतें जो हैं ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो रोज़गार होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उस पर एंगेज है। ओनली 5-6% की महिलाएं हैं जो रेगुलराइज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज सैलराइड जॉब पे एंगेज है। उनके लिए टैक्स स्टैंडर्ड जो रिडक्शन वाली जो बेनिफिट्स है उनके लिए ठीक है, बट बाकी जो 95% औरतें हैं उनका क्या? उनके लिए तो कोई टैक्स रिडक्शन की बात नहीं आई। वो कमाता है विदाउट, और टैक्स भी पे करते हैं, और सबसे मिनिमल लेवल पे कमाते हैं, तो उनका तो कोई उद्धार नहीं हुआ इस जो बजट प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए भी, उन सारे हकों के लिए भी, महिलाओं के हकों के लिए भी 29 जुलाई में हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने वहाँ जंतर मंतर न्यू दिल्ली में हमारे जो महिला प्रेसिडेंट हैं अलका लांबा जी, उसके नेतृत्व में, उसके आह्वान में सारे भारत के महिलाओं ने वहाँ अपने हक के लिए उस न्याय, नारी न्याय आंदोलन में पार्टिसिपेट की थी। थैंक यू।